शुक्रिया डॉक्टर मलिक साहब, आपने अपने ख्यालत का उल्लेख किया। आपने कहा कि संविधान के सम्मान में नारी है मैदान में, तो मुझे लगता है आज यहाँ पे आज यहाँ पे एक नारी जब मंच से बैठी है तो हर कोई वक्ता एक नारी की बात कर रहा है। वो एक ऐसी नारी जो अभी हमें संबोधित करने वाली है। पुना शहर की मेयर रह चुकी, महापौर रह चुकी, और उसके बाद में जब उन्हें राज्यसभा की सांसद बनाया गया, खासदार बनाया गया, तो इस देश में चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, जिन्होंने अपनी आवाज से इस राज्यसभा में अपने देश की हिफाजत के लिए काले कानून के खिलाफ में आवाज उठाए, वो नारी आज हमारे बीच में मौजूद है। माननीय खासदार वंदना देव चव्हाण, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, एक ख्यालत का इजहार करें। एक आपको वंदना देव, आपको देखकर एक शेर मुझे याद आ गया। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। किसी की बेटी बनकर, किसी की बेटी बनकर, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की पत्नी बनकर, घर घर की शान है औरत, घर घर की शान है औरत। मोहतरमा वंदना देव चव्हाण, मला आम्हाला आवर्जून सांगायचं की तुम्ही तुमच्या भाषणामध्ये उल्लेख केलाय की कोणत्याही धर्मावरील अन्याय आम्ही एक भारतीय म्हणून, भारतीय समजून आपण घेणार नाही, ही आमच्यासारखी खूप अभिमानाची बाब आहे। म्हणून या संपूर्ण शाहीर कवीच्या वतीने आम्ही तुम्हाला सलाम करतो आणि आवर्जून सांगायचं संपूर्ण ताकदीने या शाहीरमधला समर्थन केलेलं आहे। भाषणामध्ये तुम्ही तुमच्या उल्लेख केलाय की आम्ही जात पात, हिंदू मुस्लिम हा भेदभाव मानत नाही। म्हणून मला आवर्जून तुमच्यासाठी एक शेर मी काल घेऊन लाय, कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है मुसलमान बन जाओ, कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है मुसलमान बन जाओ, हम कहते हैं ऐसा बन जाओ जिंदगी में, हम कहते हैं ऐसा बन जाओ जिंदगी में। हर तुम पहचान बन जाओ, हर मजहब की तुम पहचान बन जाओ, पहचान बन जाओ। धन्यवाद भाई।